आज नहीं कल पढ़ूंगा, अभी पढ़ने का मूड नहीं है, कल पक्का पढ़ लूंगा। लेकिन मुझे पता है कि तुम नहीं पढ़ोगी, क्योंकि ये कल कभी आएगा ही नहीं। कब तक बहाना बनाते रहोगे दोस्त, कब तक? अगर सफल होना है तो ये बहानेबाजी करना छोड़ दो, क्योंकि ये बहानेबाजी दो पल की खुशी तो दे देगी, लेकिन इससे तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, अगर सफल होना है तो ये बात अपने मन से निकाल दो कि कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, अभी पढ़ने का मूड नहीं है। तुम आज सिर्फ से एक घंटा पढ़ाई करना शुरू कर दो, पढ़ो उस टाइम तुम्हारा इंटरेस्ट हो। लेकिन याद रहे, उस एक घंटे में तुम्हारा मन कहीं भटकना नहीं चाहिए। तुम्हारे मन में सिर्फ एक ही बात होना चाहिए कि तुम्हारा सपना क्या है, तुम भविष्य में क्या करना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो और किस मुकाम पर पहुंचना चाहते हो। अगर ये आदत सिर्फ 10 दिनों तक अपना लिया ना, मैं गारंटी देता हूँ आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और ठीक से 11वें दिन किसी मजबूरी या किसी मोटिवेशन की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद अपने सपनों के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए पढ़ना शुरू कर दोगे, फिर उसी दिन से कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दोगे। याद रखना, आज तुम किसी काम के लिए जितना ज़्यादा डरते जाओगे, तुम उतना ही सफलता से दूर होते चले जाओगे। अगर सफलता समय पर चाहते हो ना, तो बहाना बनाना छोड़ दो, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तुम जरा सोचो, आज का काम कल पे टालते जाओगे तो कल होने वाला काम भी तो पीछे होते चला जाएगा, और इसी तरह तुम्हारा सारे कामों में देरी होने लगेगी। और सक्सेस होने के लिए हर काम टाइम पे करना जरूरी होता है, इसलिए